इस बार सर्दी बहुत ज़्यादा हुई है और धूप नहीं निकली है एक महीने तक। जनवरी के महीने में धूप न निकलने की वजह से तुलसी के प्लांट में सभी के लगभग इस तरह की परेशानी देखने को मिल रही है। जो पत्तियां हैं वो ब्लैक कलर की होकर गिर गई हैं और जो छाया में तुलसी हमने रखी हुई है वो भी आपको दिखाती हूँ कि उसके साथ हुआ क्या है। ऐसा नहीं है कि जो पाले की वजह से ही तुलसी ख़राब हुई है, इस बार तुलसी धूप न निकलने की वजह से भी ख़राब हो गई है, तो आपको दिखाती हूँ। छाया में रखी हुई ये तुलसी है मेरी और इसके पत्ते ब्लैक कलर के नहीं हुए हैं, लेकिन धूप न निकलने की वजह से ये भी झड़ रहे हैं। पूरे लीव इस तरह से झड़ रहे हैं और प्लांट बिल्कुल इस तरह से हो गया है। ये देखिए एकदम से इसके लीव झड़ गए हैं सारे, और नीचे भी आप गमले में देख सकते हो कि ग्रीन लीव पड़े हुए हैं प्लांट में। तो आपको डरना नहीं है, तुलसी का पौधा सूखेगा नहीं, बस आपको उसी तरह से पौधे की केयर करते रहना है। पत्ते हटा देने हैं, वो अपने आप ही हट जाएंगे इस तरह से जब पत्ते हो गए हैं, और जैसे धूप निकलने लगेगी तो प्लांट की ग्रोथ अपने आप ही होने लगेगी, उसमें से नई नई ब्रांचेस निकलने लगेंगी कुछ समय के बाद जब पौधे को धूप मिलेगी। धूप न निकलने की वजह से जो ग्रीन लीव हैं वो भी सूखकर झड़ने लगी है, तो आपको घबराना नहीं है, अपने तुलसी के पौधे की उसी तरह से केयर करते रहना है। पानी बहुत कम डालना है क्योंकि रात के टाइम भी ओस पड़ती है, हवा में भी मॉइस्चर है इस टाइम पर, तो आपको पानी बहुत ध्यान से देना है। अगर ज़्यादा पानी आप दोगे तब भी पौधा ख़राब हो जाएगा, सूख जाएगा तुलसी का पौधा, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। मेरे सभी तुलसी के पौधे इसी तरह से हो गए हैं, सारे लीव झड़ गए हैं, जितने भी तुलसी के प्लांट थे, काफ़ी सारे प्लांट हैं मेरे पास तुलसी के। ये देखिए कितना ग्रीन था ये पौधा, मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो भी काफ़ी अपने चैनल पर डाली हुई है। अभी जैसे पाला पड़ा है तो सारी पत्तियाँ मैंने इसकी रिमूव कर दी, अपने आप ही रिमूव होकर गिर रही थी तो मैंने रिमूव कर दी है, और जहाँ से पत्तियाँ रिमूव की हैं वहाँ से जैसे धूप निकलेगी तो नई ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप अपने तुलसी के पौधे को उखाड़े ना, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारा तुलसी का पौधा सूख गया है, क्योंकि पत्तियाँ भी इस तरह से ब्लैक कलर की हो गई हैं और जो तुलसी की ये टहनी होती है ये भी नेचुरली ब्लैक कलर की होती है, लेकिन अगर आप इसको तोड़ते हो तो ये टूटेगी नहीं। अगर एकदम से सूखी लकड़ी की तरह टूट जाती है तब आपका तुलसी का पौधा ख़राब हो गया है, उसकी जगह नया पौधा लगा दें। लेकिन अगर आप इसको तोड़ करके देखते हो और ये नहीं टूटती है और ये से मुड़ जाती है, ग्रीन रहेगी ये अंदर की साइड से, तोड़ने की बजाय आप इसको ऐसे भी क्रश करके देख सकते हो। ये देखिए ग्रीन है इसकी टहनियाँ अंदर से, तो ये सूखी नहीं है तुलसी, और जैसे धूप निकलेगी तो इस पौधे में ग्रोथ अपने आप ही निकल आएगी। बस पानी का खास ख्याल रखें इस टाइम पर, क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, नमी प्लास्टिक के पोट में बनी रहती है काफ़ी टाइम तक। कम से कम पानी डालना है, जितनी पौधे को ज़रूरत है उसी हिसाब से आपको पानी डालना है। ज़्यादा पानी डालने की वजह से भी तुलसी का पौधा ख़राब हो सकता है। ये मेरी ब्लैक कलर की तुलसी है, ये भी इसी तरह से हो गई है। मैंने इनको छाया में भी प्लेस किया था लेकिन फिर भी इनके लीव ड्रॉप हो गए धूप न निकलने की वजह से, क्योंकि तुलसी का पौधा धूप में रहने वाला पौधा है। तो आपके साथ अगर ये समस्या है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब धूप निकलेगी तो पौधे फिर से सर्वाइव करने लगेंगे, फिर से इन पे पत्तियाँ निकल आएंगी। आगे का अपडेट इन प्लांट का आपको मिलता रहेगा, तो बने रहिएगा चैनल पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करते चलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी गार्डनिंग।